सागर शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें तीन महिलाओं ने एक ज्वेलर की दुकान में लाखों रुपए के जेवर उड़ा दिए। मामला सिटी कोतवाली के पास का बताया जा रहा है। आपको बता दें, रविवार शाम करीब 6 बजे सिटी कोतवाली के पास ही एक ज्वेलर की दुकान पर तीन महिलाओं ने इस करतूत को जेवर देखते समय अंजाम दिया। उनकी यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला जेवर उठाकर साथी महिलाओं को देती दिख रही है। इन चोर महिलाओं की पुलिस तलाश करने में जुटी है। शहर की घेराबंदी पुलिस ने कर दी है। महिलाओं ने चूड़ियों सहित अन्य जेवर गायब कर दिए। घटना के पहले कई दुकानों में ये महिलाएं पहुंची थी। थाना प्रभारी नवल आर्य ने बताया कि शाम को कुछ सराफा व्यापारियों ने बताया कि तीन महिलाएं ज्वेलर्स दुकानों पर घूम रही है। बेसाख्या ज्वेलर्स से बदमाश महिलाएं चूड़ियों सहित अन्य जेवर ले गई। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। ज्वेलर्स की दुकान पर महिलाओं द्वारा चोरी की घटना की सामने आई बात है। क्या है पूरा मामला? नहीं, मेरी जानकारी में लगभग 7:15 बजे बैसाखिया ज्वेलर्स, जो कोतवाली से नीचे सराफे में स्थित दुकान है, तो यहाँ 5-6 सराफा व्यापारी आए। उनके द्वारा बताया गया कि तीन महिलाएं बैसाखिया ज्वेलर्स पे आई थी लगभग 5:30 बजे के आसपास। करीब करीब 18 मिनट रुकी। जब वो चली गई तो उसके करीब 1 घंटे के बाद इन्होंने देखा तो उसमें 4 चूड़ियाँ दिख रही हैं वीडियो में। अभी वो बता रहे हैं कि हमारी कुछ और सामान गया है, परंतु जो वीडियो उनके द्वारा दिया गया उसमें मात्र 4 चूड़ी दिख रही हैं। तो स्पष्ट दिख रही हैं कि तीन महिलाएं, उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला को दिया है। तो अभी इसी की सूचना मैं, हमारी सारी पुलिस लगातार शहर में राउंड ले रही है। हमारे वरिष्ठाधिकारीगण के द्वारा पूरे ज़िले में मैसेज दे दिया गया, समस्त ज़िले के अंदर नाकाबंदी लगा दी गई है और सभी वाहनों की चेकिंग और एवं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की भी चेकिंग जारी है। सर, अभी सराफा भाई से पूछताछ में पता चला कि लगभग कितनी लागत थी, कितने की? नहीं नहीं, अभी इतना नहीं, उन्होंने केवल इतना बताया कि सर चोरी हो गई है और उसी पर हम लोगों ने तत्काल जो हमें कार्रवाई करना चाहिए वो हमारी कार्रवाई जारी है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।